नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ईशाला में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस सेशन में हम सितंबर दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अन्य क्वेश्चंस के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप सामान्य ज्ञान डॉट इन को विजिट करें, जहां पर और बहुत सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, GK क्वेश्चंस और पुराने सालों के प्रश्न पत्र बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं, हल सहित। चलिए आइए अब देखते हैं सितंबर दूसरे सप्ताह के क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 की थीम क्या है? सही उत्तर है डिजिटल दुनिया में साक्षरता। 51वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2017 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया गया। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, ग्राम पंचायतों तथा गैर सरकारी संगठनों को साक्षर भारत पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 की थीम रखी है डिजिटल दुनिया में साक्षरता। इमोर्टल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है अमीश त्रिपाठी। इमोर्टल इंडिया पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। इन्होंने भगवान शिव और भगवान राम पर अपनी पौराणिक श्रृंखला के साथ पाठकों का बहुत मनोरंजन किया है। इस पुस्तक में धर्म, LGBT अधिकार, इतिहास और नारीवाद जैसे विषयों का वर्णन किया गया है। अमीश त्रिपाठी एक भारतीय लेखक हैं और इनकी पुस्तक पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। बैडमिंटन एसोसिएशन BAI द्वारा किसे पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? सही उत्तर है प्रकाश पादुकोण। भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI द्वारा पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें बैडमिंटन में उनके योगदान के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। पादुकोण ने 1980 ऑल इंग्लैंड जीता था। इसके अलावा कोपेनहगन में 1983 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। किन्होंने US ओपन महिला एकल खिताब 2017 जीता है? सही उत्तर है स्लोन स्टीफंस। अमेरिका की स्लोन स्टीफंस ने मेडिसन कीच को कड़े मुकाबले में हराते हुए US ओपन 2017 का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। 83वीं रैंकिंग वाली स्लॉन ने US ओपन में 10 इस अंतिम मुकाबले में मेडिसन को सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से करारी शिकस्त दी। पिछले 17 मैचों में 15 जीत के साथ स्टीफेंस महिला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सिर्फ 5वीं गौरवीय खिलाड़ी बन गई हैं। किन्होंने वर्ष 2017 का US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? सही उत्तर है रफेल नडाल। रफेल नडाल ने केविन एंडरसन को 6-3, 6-3 और 6-4 से शिकस्त देकर 10 सितंबर को US ओपन 2017 का पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया था। 31 साल के नडाल 16वीं बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी नडाल इससे पहले वर्ष 2010 और 2013 में भी US ओपन चैंपियन बन चुके हैं। इस वर्ष फ्रेंच ओपन के बाद उनका यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। केंद्र सरकार ने 12 सितंबर को किस सरकारी कंपनी से एक नई अलग कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है BSNL। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर को भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टावर संसाधनों को BSNL की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी में सम्मिलित करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से BSNL एक अलग सहायक कंपनी बनाकर अपनी दूर संचार टावर और संरचना तैयार करने के लिए अधिकृत हो गया है। देश में लगभग 4,42,000 मोबाइल टॉवर हैं, जिनमें से 70,000 से भी अधिक मोबाइल टॉवर BSNL के हैं। किस कंपनी ने हाल ही में iPhone X स्मार्टफोन पेश किया है? सही उत्तर है एप्पल। एप्पल ने 12 सितंबर को स्मार्टफोन iPhone X की झलक पेश की, जिसमें कोई होम बटन नहीं होगा। साथ ही कंपनी ने बहुप्रतिशत iPhone 8 से पर्दा भी उठा दिया है। iPhone X यानी iPhone 10 चेहरा पहचानने यानी Face ID फीचर से लेस होगा। इसके टॉप पर इंफ्रारेड कैमरा है, जो अंधेरे में भी यूजर का चेहरा पहचान सकता है। ओलंपिक 2028 कहाँ पर आयोजित होंगे? सही उत्तर है लॉस एंजलिस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC पेरिस को 2024 ओलंपिक खेलों और लॉस एंजलिस को 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंप दी गई है। इस बात की जानकारी पेरू में IOC अध्यक्ष थॉमस बॉक ने दी।
लॉस एंजलिस ने भी पहले 2024 खेलों की मेजबानी के लिए दावा किया था, लेकिन उसे उससे अगले ओलंपिक की मेजबानी मिली है। गौरतलब है कि पेरिस, जो कि 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है, पूरे 100 साल के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 सितंबर। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी इसे राजभाषा बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इस पर मोहर लग गई थी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का 14 सितंबर को कहाँ शिलान्यास हुआ है? सही उत्तर है अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में देश की पहली बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही देश में बुलेट ट्रेन के युग की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन से जहां एक ओर अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 7 घंटे की बजाय लगभग 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी, तो वहीं इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन की नींव रखने को नए भारत की इच्छा का विस्तार करार देते हुए कहा कि इससे तेज गति के साथ ही तेज प्रगति भी होगी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? सही उत्तर है गोवा। भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से गोवा को 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अधिकार प्रदान कर दिया है। यह घोषणा खेल राज्य मंत्री मनोहर अजगांवकर ने की, और उन्होंने कहा कि आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को एक पत्र में औपचारिक रूप से नवंबर 2017 में खेल आयोजन करने के सभी अधिकार सौंप दिए हैं। ऑपरेशन इंसानियत का संबंध किससे है? सही उत्तर है रोहिंग्या मुस्लिम। ऑपरेशन इंसानियत भारत सरकार के मानवीय सहायक पहुंचाने वाले उस ऑपरेशन को दिया गया है नाम है जिसके तहत म्यांमार से लाखों की संख्या में शरणार्थी बनकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या मुसलमानों की सहायता की जाएगी। इसके तहत सहायता की पहली खेप 14 सितंबर 2017 को भेजी गई। इस खेप में पीड़ित लोगों के तुरंत काम में आने वाली खाद्य व अखाद्य वस्तुएं हैं, जैसे चावल, दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, चाय, नूडल्स, बिस्किट, कंबल, मच्छरदानी, तंबू आदि। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है मारिया शारापोवा। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा द्वारा लिखी गई पुस्तक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में शारापोवा की जमीन से उठकर टेनिस स्टार बनने की और शीर्ष पर बने रहने की असीम लड़ाई के बारे में चर्चा की गई है। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 103वां। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार वर्ष 2017 के वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को सूचकांक में शामिल कुल 130 देशों में से 103वां स्थान दिया गया है। भारत 5 ब्रिक्स देशों में सबसे निचले पायदान पर है, जबकि सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ईशाला को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारी मोबाइल ऐप samanyagyan.in को भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, जहां सभी प्रकार के जीके क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एवं पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हल सहित फ्री उपलब्ध हैं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।